डियर लर्नर, लास्ट क्लास में हमने डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, और इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं प्लेजियरिज्म और वेज टू अवॉइड इट। देखो, प्लेजियरिज्म एक बहुत मेजर कंसर्न है, और जब आप कॉलेज में पहुंचोगे, एक सेमेस्टर जिसमें आपको बैठ के मैक्सिमम टाइम प्रोजेक्ट में स्पेंड करना रहता है, वो पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए आपका रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उसमें प्लेजियरिज्म का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। तो ये होता क्या है, कैसे अवॉइड करते हैं, और इससे पहले भी हमने इसे डिस्कस किया हुआ था नेटिकेट्स वाले लेसन में, चलो देखते हैं। तो प्लेजरिज्म बेसिकली मोटे शब्दों में ये कहा जाए कि अगर आप किसी दूसरे के काम को अपना नाम लगा कर कर रहे हैं, ये एक्ट कहलाएगा प्लेजरिज्म। एक वर्ड में कहें तो ये एक्ट है ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडियाज एंड अदर वर्क्स वाइल प्रिटेंडिंग, बहाना मार रहे हैं कि दे आर वंस ओन, कि ये आपका खुद का है। तो ये प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बेसिकली चार तरीके हैं, जिसमें से पहला हो गया आपका पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में बेसिकली क्या है, दूसरे ने जो कह दिया है, अब देखो इंसान एक दूसरे को देख कर सीखता है, ठीक है, कॉपी करके सीखता है, तो कॉपी तो करना है लेकिन किस तरीके से करना है वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है, ताकि आपका प्लेजरिज्म वो चीज़ ना हो जाए। तो पैराफ्रेज में ये होता है कि आप मतलब किसी ने कोई चीज़ कही है, आपको उसे लिखना है, तो आप उसको अपने शब्दों में बनाकर लिखिए, ओके, बस इतना ही है, अपने वर्ड्स में बनाकर लिखने को कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अब कोटिंग में क्या होता है, किसी ने कोई चीज़ कही है, आप उसे एग्जैक्टली वैसे ही लिखना चाहते हैं, तो आप उसको ब्लॉक कोट्स के बीच में या फिर डबल कोट्स के बीच में लिखा करो, तो वो कोटिंग कहलाएगा। साइटिंग में क्या होता है कि मान लो आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल में किसी और ने क्या कहा था वो चीज़ भी लिख दी आपने, बिना कोट लगाए लिख दी वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे उसने जो चीज़ कही है ख़त्म हो रही है, एक छोटा सा नंबर डाल देंगे ऊपर में, जैसे कि विकिपीडिया के पेजेस में रहते हैं, ठीक है। अब वो नंबर ऊपर में रहेगा और उसी पेज के नीचे में फुट नोट में लिख देंगे कि ये नंबर का मतलब ये चीज़ इस किताब से ली गई है, ये किताब का ऑथर ये है, इस साल पब्लिश हुई थी, ये वाला एडिशन है, वगैरह वगैरह जो डिटेल्स आप देना चाहते हैं। अब अगर मान लो वो डिटेल आप उसी पेज के नीचे में नहीं लिख रहे फुट नोट में, बल्कि वो पूरा आर्टिकल ख़त्म होने के बाद अलग से पेज लगा कर रेफरेंस हेडिंग डालकर उसके नीचे लिख रहे हो, जैसे कि विकिपीडिया के पेजेस में होता है, तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी रेफरेंसिंग। अब अगली चीज़ हो गई कि एक एग्जांपल के तौर पे, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत पॉपुलर स्पीच दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और इसके ऊपर एक विकिपीडिया पेज भी है, तो इस चीज़ को हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। देखो, जो एक्चुअल उनका टेक्स्ट है, थोड़ा ब्लर्ड है यहाँ पर, गौर करना, वो कुछ इस तरह से है उनकी स्पीच, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी ब्ला 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 विद रिस्पेक्ट। और इसको हम अगर मुझे इसे पैराफ्रेज करना हो, अपने शब्द में बनाना हो, तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड गिवन अ वेरी एंथुजियास्टिक स्पीच आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ही सेड, तो उसके आगे मैं अपने से वर्ड बनाकर लिख दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने से ज़्यादा कुछ ऐड ना करूं, नहीं तो वो चीज़ थोड़ा कुछ का कुछ ही बन जाएगा, तो मैं सिंपली उसको ब्लॉक कोट्स लगा कर लिख दूंगा, जैसे यहाँ इमेज बी में लिखी हुई है। अब ब्लॉक कोट लगा कर लिखने पर ये जो तरीका है, ये कहलाएगा कोटिंग। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कोट भी नहीं करूं, ना करूं। अब यहाँ नीचे में देखो, नीचे में जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो आसमानी रंग का आपको ब्रैकेट्स दिख रहा है, उसके बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन है, मान लो मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो जो स्पीच का हिस्सा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये स्पीच के हिस्से को इस पेज के नीचे में जाकर मैं फुट नोट में इसकी डिटेल डाल दूंगा कि ये वाला हिस्सा जो है मैंने इस स्पीच से लिया था, और वो स्पीच इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, और इस डेट को वो वेबसाइट अपडेट हुई थी जिससे मैंने स्पीच ली है। ये सारी डिटेल अगर पेज के नीचे फुट नोट में लिख दूँ तो ये हो जाएगा साइटेशन, और उसी पेज के नीचे मैं ना लिखते हुए मैं क्या करूँ, अलग से एक पेज दूँ रेफरेंसेस हेडिंग के लिए, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिटेल लिखूँ, तो ये तरीका हो जाएगा रेफरेंसेस। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। DFTBA।